सत्येंद्र जैन मामले में जेल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे आई और मीडिया के पास कैसे गई, इस मामले पर खासी बहस आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने हुई। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन का ये कहना था कि ईडी की तरफ से ये फुटेज बाहर नहीं आई है, इसमें किसी और एजेंसी या जेल अथॉरिटीज या सत्येंद्र जैन खुद का भी हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ से राहुल मेहरा जो सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने खासी आर्ग्यूमेंट इसी मुद्दे पर की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज लीक करके उनके पब्लिक में इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ कोर्ट के भी रुख बदलने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है उससे कोर्ट या जजेस भी प्रेजुडिस होते हैं और साथ ही साथ पब्लिक में भी उनकी छवि खराब होती है। राहुल मेहरा ने यह भी आर्ग्यूमेंट दी है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हुई, एफिडेविट ईडी का लीक हुआ और आज सुनवाई से बिल्कुल पहले जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाली थी, उस जवाब की भी डिटेल्स मीडिया के सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सूत्रों के हवाले से बाहर आई। राहुल मेहरा ने यह कहा है कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, एक जज की निगरानी में ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से ये सारी खबरें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफों में दी जाती हैं, ये बाहर किस तरह से आई और कहाँ से आई हैं। एक मुद्दा राहुल मेहरा ने ये भी उठाया कि अगर आप मीडिया की हेडलाइंस देखें तो जो सीसीटीवी फुटेज लीक हुई है उसके सूत्र को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सूत्र बताए गए हैं। मीडिया में जो हेडलाइंस चली हैं वो भी ये आया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने वो इन्फॉर्मेशन लीक की है, तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को इस सीसीटीवी फुटेज पर एक्सेस मिला। कोर्ट ने हालांकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जवाब देने के लिए भी टाइम दिया है और आज क्योंकि एडिशनल सोलिसिटर जनरल SV राजू आज कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, इसलिए अब सोमवार यानी कि 28 नवंबर को इस मुद्दे की सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि सत्येंद्र जैन की तरफ से लगातार यही दलील दी जा रही है कि बार बार सीसीटीवी फुटेज और एफिडेविट्स का बाहर आना ये दर्शाता है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे केस को धूमिल करने की और सत्येंद्र जैन की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जवाब मांगना ज़रूरी है। हालांकि जोहेब हुसैन जो ईडी के वकील हैं उन्होंने लगातार यही कहा कि ईडी की तरफ से कोई भी फुटेज या कोई भी एफिडेविट लीक नहीं हुआ है, जो भी मीडिया में खबर आई है उससे ईडी ऑफिशियल्स खुद भी हैरान है कि कहां से ये खबर निकली और अगर कोई और एजेंसी या जेल अथॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं, इस सीसीटीवी फुटेज को लीक करने में शामिल हैं, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ तिहाड़ जेल के अफसरों की भी तबादले हुए हैं, तिहाड़ जेल में किस तरह से काम हो रहा है उस पर भी कई एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये एक इकलौता केस नहीं है जहां पर इस तरह से एजेंसियों पर सवाल उठाए गए हैं। ये सभी मुद्दे फिलहाल क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन भी आ रहे हैं, साथ ही साथ गुजरात में इलेक्शन है, इसलिए पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही, लेकिन एक लीगल कानूनी सवाल भी खड़े होते हैं इस मामले में कि आखिर जेल के अंदर की कॉन्फिडेंशियल सीसीटीवी बाहर कैसे आए और क्या एजेंसियां कुछ गड़बड़ खुद ही कर रही हैं।